दोस्तों, दिशा परमार ने राहुल वैद्य को दे दिया है धोखा। फैमिली वीक में दिशा परमार ने कर दिया है जाने से इनकार। इस बात से पर्दा उठी गया है कि आखिर राहुल वैद्य का कनेक्शन बनकर बिग बॉस 14 के घर में एंट्री कौन मानने वाला है। जल्द ही सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 14 के घर में कनेक्शन वीक यानी कि फैमिली वीक शुरू होने वाला है। मेकर्स ने फैमिली वीक के लिए राहुल वैद्य के लिए दिशा परमार की एंट्री करवाने का फैसला किया था। दिशा परमार ने मौके पर राहुल वैद्य के लिए शो में आने से बिल्कुल मना कर दिया है। ऐसे में मेकर्स बीते 2-3 हफ्ते से राहुल वैद्य के कनेक्शन के लिए लोगों को फोन मिला रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तरीके का बस भी था कि घर से बेघर हो चुके कंटेस्टेंट विकास गुप्ता घर में राहुल वैद्य का कनेक्शन बनकर एंट्री मारेंगे। खैर, अब राहुल वैद्य के कनेक्शन पर मेकर्स ने फाइनली मोहर लगा दी है। जी हाँ, मेकर्स ने फाइनली इस बात का फैसला ले लिया है कि दिशा परमार के मना करने के बाद अब राहुल वैद्य का कनेक्शन बनकर कौन आएगा। आपको बता दें कि सिंगर तोशी सबरी राहुल वैद्य का कनेक्शन बनकर बिग बॉस के घर में आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस वीकेंड के आसपास ही तोशी की एंट्री बिग बॉस 14 के घर में होने वाली है। लेकिन इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आखिर दिशा परमार ने राहुल वैद्य के लिए बिग बॉस के घर में आने से मना क्यों कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल वैद्य और निक्की तंबोली की नजदीकियां बढ़ती जा रही है उसको लेकर माना जा रहा है कि दिशा परमार बाहर काफी अपसेट है। इस वजह से उन्होंने फैमिली वीक में आने से कर दिया है मना। दिशा परमार का इस तरीके से राहुल वैद्य के लिए घर में आने से मना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर से पहले वो राहुल वैद्य को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से निक्की तंबोली और राहुल वैद्य की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद दिशा परमार ने राहुल वैद्य को लेकर कोई भी पोस्ट करना बंद कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिशा परमार राहुल वैद्य से दूरियां बना रही है।